ये प्रॉब्लम आपको कितने समय पहले हुई? एक साल पहले हुई। कौन सा हाथ है? ये वाला, राइट सज्जन। डॉक्टर ने कहा है कि जब आपने बहुत सी पट्टियां लेप करवाई, बहुत सी मेडिसिन खाई, फिर उसने कहा एक्स्ट्रा करवाओ। क्या बोला डॉक्टर ने? एक्स-रे में आया कि नस दब गई, उसके कान खून सर्कल नहीं कर रहा, जिसके कारण दर्द रहती है, हाथ में सूजन आ जाती है और कोई काम नहीं होता। इंजेक्शन भी बहुत लगवाई, कोई फर्क नहीं। हालेलुया। इस ब्रदर का नाम चांद और जय लक्ष्मी नंगल पट्टे पर रहते हैं और इनकी गवाही जय बता रहे हैं कि एक साल हो गया इनके राइट साइड हाथ की उंगलियों में चोट लग गई थी और जे बता रहे हैं कि जिसके कारण जे लगातार पहले मेडिसिन खा रहे थे और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर इन्होंने इसके लिए पट्टियां भी कराई पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और फिर डॉक्टर ने बोला कि आप एक्सरे करवाएं और जो बता रहे जैसे इन्होंने एक्सरे कराया तो क्या हो गया हाथ पे? क्या हो गया था? चोट लगी थी और क्या हो गया जब चोट लगी? तो पहले इन्होंने दर्द के कारण मेडिसिन खा रहे थे, फिर पट्टियां भी कराई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप एक्सरे करवाएं और जैसे इन्होंने एक्सरे कराया तो डॉक्टर ने बताया कि जो आपकी हाथ की उंगली वो उसकी नाड़ दब गई है जिसके कारण खून सर्कल नहीं करता। तो क्योंकि इन्होंने बहुत सारी लेप पट्टियां करा ली थी पर फर्क नहीं पड़ रहा था और उसके बाद भी जो बता रहे कि इन्होंने अलग अलग डॉक्टर से मेडिसिन खा रहे थे फिर भी जो बता रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। कुछ समय तक जो बता रहे फर्क रहता तो जो अपना काम करते, क्योंकि जो अपना जो पट्टे का काम करते तो इनसे काम भी नहीं होता था और जो बता रहे कि जो काफी परेशान हो चुके थे और जो बता रहे कि फिर इसके लिए इन्होंने ले हैंड भी कराई थी और जो बता रहे कि जब विश्वास कर रहे थे पर जैसे जब अपने काम पर जाते तो जब इनसे काम नहीं होता तो इनका विश्वास भी नहीं बन पा रहा था और जो बता रहे जी काफ़ी परेशान हो चुके थे और जो बता रहे फिर उन्होंने किसी और डॉक्टर के पास जे गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अपने मेडिसिन भी खा रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेप भी कराई, पट्टियाँ भी कराई, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो आपका खून है, ब्लड है, वो सर्कल नहीं कर रहा, इसके कारण आपके दर्द रहती है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपने रात के टाइम सोने से पहले अपने अपने पानी अपने हाथ को गुनगुने पानी में, गर्म पानी में डालकर रखना है और जो बता रहे हैं कि जब भी रात के समय दर्द होती थी तो जो बता रहे हैं कि जो रात के समय ऐसे गर्म पानी करते हो, जब गुनगुना हो जाता तो उसमें अपना हाथ डाल लेते थे तो जब हाथ डालते तो जब पानी में हाथ रहता तो दर्द जो थी वो रुक जाती थी पर जैसे पानी से बाहर निकालते तो दर्द फिर से शुरू हो जाती थी क्योंकि जो ब्लड वो खून सर्कल नहीं करता था पर पानी में हाथ डालने से खून सर्कल करता और दर्द रुक जाती थी। तो जो काफ़ी परेशान हो चुके क्योंकि जो लगातार इसको भी कर रहे थे और जो बता रहे कि ऐसे रात के टाइम जो गर्म केटल में पानी करके रखते और जो बता रहे जो कोई भी इनको फर्क नहीं लग रहा था क्योंकि पानी में हाथ डालने तक तो फर्क रहता था पर जब बाहर निकाल लेते तो दर्द शुरू हो जाती। तो इनके मन में था कि जैसे जो जो पट्टे का काम करते इंटे बनाने का तो ये जी काफ़ी परेशान हो चुके थे कि ऐसे दिन में मैं पानी में हाथ नहीं डाल सकता, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जो बता रहे कि फिर भी इनका जो विश्वास था बन नहीं पा रहा तो जो काफ़ी परेशान हो चुके थे और जो बता रहे कि जब 18 जनवरी की मीटिंग इन्होंने अटेंड किया तो जो बता रहे कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड आया कि जैसे ही प्रभु बोस की मीटिंग होगी तो आपने फरवरी महीने की प्रभु बोस की मीटिंग के बाद आपने एक हफ्ते की प्रेयर को अटेंड करना और प्लस जिनकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपने फॉर्म फिल करने और जैसे ही 4 फरवरी को प्रभु बोस की मीटिंग के बाद 5 फरवरी को ऐसे एक हफ्ते की प्रार्थना स्टार्ट हुई और इन्होंने अपना फॉर्म फिल कराया और इस प्रॉब्लम को अपने फॉर्म पर लिखवाया और जब बता रहे कि फिर जे प्रेयर में आ रहे थे फरवरी महीने में और जब बता रहे जैसे परमेश्वर के दास उन दिनों में प्रेयर में आ रहे थे और सबको टीच करते थे, उत्साहित करते थे और जैसे फॉर्म पर प्रेयर हो रही थी और जब अपनी प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे और जब बता रहे कि जैसे जो रिसीव करते रहे और धन्यवाद दे रहे तो कुछ ही दिनों में जब बता रहे कि जो इनकी हाथ की उंगली में ऐसे नाड़ी दब गई थी और खून सर्कल नहीं कर रहा था और जब बता रहे कि वो दर्द से परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको फ्री कर दिया प्लस जो इनका
काम करते थे वो काम नहीं होता था, और जो बता रहे अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो डबल काम कर रहे हैं, और जो बता रहे हैं कि कोई भी बारी चीज उठाने से भी हाथ में ना तो स्वेलिंग होती है और ना दर्द रहती है, और जो बता रहे हैं कि जैसे इन्होंने इस वर्ड इस वचन को पूरा किया तो आज एक महीना पूरा हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि एक साल से जो अलग अलग बहुत कुछ इन्होंने किया, मेडिसिन खाई, लेप भी कराई, ऐसे पानी में रात को हार डालते, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जैसे इन्होंने वचन को पूरा किया तो जो बता रहे आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया। इस गवाही के लिए परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते। माइक माइक दो इन्हें, माइक दो, माइक की आवाज नहीं है फिर। पापा जय मसीह की, जय मसीह की। क्या नाम है आपका? चांद जी। चांद पापा, ये प्रॉब्लम आपको कितने समय पहले हुई? एक साल पहले हुई। कौन सा हाथ है? ये वाला, राइट सज्जन। डॉक्टर ने कहा है कि जब आपने बहुत सी पट्टियां लेप करवाई, बहुत सी मेडिसिन खाई, फिर उसने कहा एक्स्ट्रा करवाओ। क्या बोला डॉक्टर ने? एक्स-रे में आया कि नस दब गई, उसके कारण खून सर्कल नहीं कर रहा, जिसके कारण दर्द रहती है, हाथ में सूजन आ जाती है, और कोई काम नहीं होता अब, क्योंकि इनका पट्ठे का काम है। बोलो क्या काम है? पट्ठे का काम बड़ी मेहनत का और भारी काम है, हल्का नहीं है। बोलो क्या है? सारा दिन वो मिट्टी को कहीं से करते हो ना सारा कुछ, तो बड़ा भारी काम है भाई। कितनी तकलीफ में थे। आपका और भी कोई कमाने वाला है घर में? ये देखो कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे जी। दो बच्चे मतलब एक पत्नी, चार जी हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो कहां से खाएंगे? अगर बैठ जाएंगे हाथ काम नहीं करेगा और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो फिर कहां से लेंगे? उधार लेंगे, राशन उधार लेंगे, अपने अलग और खर्चों के लिए लोगों से उधार पैसे देंगे, और धीरे धीरे कर्जा बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? पर जरूरत के अनुसार तकलीफ में भी कर रहे थे, जितना होता था कर रहे थे, पर डॉक्टर ने एक हल तो बता दिया। क्या बता दिया? हल तो बता दिया कि एक गर्म गुनगुना पानी करके उसमें हाथ रखो, क्योंकि उससे थोड़ा खून जो नास दब गई होगी वो खून सर्कल नहीं करता होगा, तो उसमें रखने से उसको आराम मिलता। क्या मिलता होगा? आराम मिलता था ना, पर वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। बोलो क्या है? वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है ना। कब तक इंसान करेगा ऐसे? कब तक वो करेगा कि रोज गुनगुना पानी करो, गर्म पानी करो, गर्म कैटल में रखो, उसको डालो, हाथ डालो जब भी दर्द होगा? हाँ, कब तक ऐसे इंसान करेगा? हाँ, कितने मेरी बात समझ? जब परमेश्वर आपको वचन देता है, यहां पे कितने लोग बैठे होंगे, कईयों की आंखों की प्रॉब्लम होगी, कानों की होगी, कोई कुछ होगी, कोई कुछ होगी, कोई किसी तरह की होगी, ये नहीं है कि नहीं होगी, पर वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। चाहते हैं परमेश्वर से काम, इसलिए मैं कल भी आपको बता रहा था कि भीड़ को देखकर यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए, पर भीड़ में से कोई भी उसके पीछे नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर आपके मनों को वो देखता है, वो मनों के हिसाब से काम करता है। आज भी देखो, बोलो क्या है? परमेश्वर मनों के हिसाब से काम करता है। आज भी देखो कितने लोग हैं जो आज भी नहीं पहुंचे। आज कितना महत्वपूर्ण दिन है, वो अपने काम काज में लगे। जिस खुदा ने अपना जीवन देकर हमें जीवन दिया, अगर वो ना जीवन देता, ना मेडिसिन काम कर रही थी, ना कुछ हो रहा था। बोलो क्या है? कोई हल नहीं हो रहा। हल तो बताया पर वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं। अब क्या करें बंदे? अगर आज के दिन यीशु मसीह अपना क्रूस पर जीवन ना देते तो क्या इस बंदे को छुटकारा मिलता? इसके बच्चों को कौन खिलाता? इसके घर का खर्चा कौन चलाता? कब तक ये लोगों से उधार मांगता? बताओ मुझे। तुम यीशु मसीह की कुर्बानी को मजाक में मत लो, सीरियस हो जाओ।
क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बोलो क्या है, कईयों की फैमिली वाले घर में होंगे, उन्हें पता नहीं कि आज का दिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो अपने काम काज में आज भी कितने लोग हैं, अगर प्रॉब्लम कल को समस्या आएगी फिर देखना दौड़े चले आएंगे, फिर छुट्टी भी मिल जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। बोलो क्या है, सोचो ये बंदा कितना परेशान था, और दो चार दस दिन की बात नहीं, एक साल से परेशान था। अपने कर्म से दिखा, मैं अपना विश्वास तुझे अपने कर्म से दिखाऊं, पहले तू दिखा। अगर तू चाहता है छुटकारा, तू चाहता है मुझसे जीवन आराम शांति बरकत, पहले तू दिखा अपना विश्वास, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, पहले तू दिखा। कितने बंदे बैठे हैं, कितने मेरी बात सुन रहे हैं, इन्होंने अपना कर्म दिखाया विश्वास का। क्यों बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर तुम्हारे विश्वास में कर्म नहीं है, स्वभाव में वो मरा हुआ है, अगर तुमने किया है तो फिर विश्वास करना। अगर तुम आए उन दिनों में प्रार्थना में, जहां आने वाले और भी महीने बोलोगे, जब पिछले दिनों में आए हो, जो आने वाले समय में जितने बाकी महीने बचे, क्योंकि हर प्रभु भोज के बाद एक हफ्ते की प्रेयर होगी, बोलो क्या होगी, ये आए, बोले क्या आई, उन दिनों में इन्होंने फॉर्म फिल करवाया। अब फॉर्म फिल का वचन भी किसकी ओर से आया, मैंने कहा लोग तो परमेश्वर जानता है अपने लोगों को उसने कैसे चंगा करना है। कुछ मिनिस्ट्रियों में फॉर्म के ऊपर ऐसे हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, पर खुदा ने मुझे बोला हर एक की यहां पे फॉर्म फिल होगा और उसकी उस फॉर्म से पढ़कर प्रार्थना की जाएगी। ऐसे हाथ नहीं रखा है, उसका नाम उसकी प्रॉब्लम लेकर उसे डांटा जाएगा, कहा जाएगा और ऐसे प्रार्थना होगा। और इन दिनों में ये आए, क्या आए उन दिनों में, ये आए और आए और आज आपके सामने। अब तो नहीं कोई तकलीफ, कितने दिन हो गए, नहीं को ऊपर रखो ना, तो महीना हो गया, एक महीना हो गया। अब ध्यान से ये बात नोट करो, वही याद है, बोलो क्या है, वही आते हैं, वही नस हैं जो डॉक्टर ने कहा दब गई है। बोलो क्या है, सोल्यूशन हल तो बता दिया, इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या बताया, पानी के इसका क्या हो करना पड़ेगा, नहीं कितनी देर तक करना है, 10-15 मिनट नहीं, कितने दिन तक, कहा क्या ही के करीबन को पता ही नहीं, आगे कोई पता नहीं है, करो पिकादो राम आवे देख लो, ये देख लो, और पक्का नहीं बता, तुम करते रहो। इसका और भी कोई बताया हल के पास, यही मशीन भी लगाई, जितना के नस जड़ी है सही हो जाती है, की लगाई मशीन भी लगाई, मशीन भी लगाई, खून जड़ा जितना सर्कस करंडा पे, फिर मशीन भी लगाई, इंजेक्शन भी बहुत लगवाई, इंजेक्शन भी बहुत लगवाई, और कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो क्या, जब वचन पूरा किया तो आज आपके सामने है बंदा, भला चंगा है। आज एक महीना हो गया ना, वही नस है, वही हाथ है, वही बंदा है, वचन को पूरा किया, खुदा ने पूरी तरह फ्री कर दिया। जोर से अपने हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर,